जिस जमीन पर घर बसाने का सपना देखा जा रहा था वो धरा का धरा रह गया। ये तस्वीरें झज्जर की हैं, जहां पर हुड्डा की जमीनों पर अवैध रूप से घर बनाए जा रहे हैं। ये जमीन बिल्डर ने गैर कानूनी तौर पर लोगों को बेच दी थी, जबकि जमीन पर उसका मालिकाना हक नहीं था। इस जमीन पर कभी दावा वक्फ बोर्ड का था, लेकिन वक्फ बोर्ड के केस हारने के बाद जमीन हुड्डा की हो गई। कुछ बिल्डरों ने इसी का फायदा उठाया और लोगों को चूना लगा दिया। ये इसलिए लगा कि इसको फोड़ दो, ये अवैध है। अच्छा, ये गलत तरीके से बनाया गया था, पर मेरे को ये बोला गया है कि मन्नत प्लॉटिंग काटने की परमिशन ले रखी है। किसने? रमेश ने। रमेश से खरीदा था आपने? हाँ। कितने उसमें खरीदा था? 3000 रुपये गज। 3000 रुपये गज। कितने गज में बना रखा है ये? मैंने बना रखा 70 गज। अच्छा, कौन सी कॉलोनी है? राधा स्वामी कॉलोनी है। और मैं जब मेरा मकान फूटता तो मेरे गोली खाने के सवाई या फांसी खाओ, मेरा कोई राह नहीं। कितने टाइम पहले ले लिया था ये? मैंने 2 साल हो गए। जब हुडा को इस गड़बड़ छाले का पता चला तो अफसर एक्टिव हुए। अब कंस्ट्रक्शन करा रहे लोगों को नोटिस थमा दिया गया है, जो मकान बन रहे थे उनका काम रोक दिया गया है। हैरानी यह है कि हुडा की जमीन पर राधा स्वामी कॉलोनी के नाम से पूरी की पूरी बस्ती बसाई जा रही थी, पानी के कनेक्शन भी दिए जा रहे थे। अब हम इनको टाइम दे रहे हैं 7 दिन का कि आप नोटिस के अकॉर्डिंग अपने जो दस्तावेज हैं आपके पास जिससे आपने परचेज किया है वो संपदा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग ठगे गए हैं। जिन बिल्डरों ने फायदा उठाया वो कानून की पहुंच से दूर हो गए हैं। बिल्डरों के लालच का शिकार ये वो मामला है जो देश के तमाम शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन अफसोस की बात ये कि हालात अब भी नहीं बदले हैं। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।